सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक स्त्री के पांच पति कैसे हो गए? द्रौपदी के भाग्य में पांच पतियों का योग था। द्रौपदी ने पिछले जन्म में खूब शंकर जी की तपस्या की थी। जब शंकर जी प्रकट हो गए तो माता द्रौपदी ने पूछा, शंकर जी ने पूछा, क्या वरदान चाहिए? तो द्रौपदी ने कहा, मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, जो बहुत धर्मज्ञ हो, जो बहुत नामी हो, नाम उसके समान किसी का नाम ना हो, जो बहुत सुंदर हो और जो तीनों कालों को जानता हो, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, कल क्या होने वाला है जो ये जानता हो, ऐसा हमें पति चाहिए। शंकर जी ने कहा कि ऐसे लक्षण किसी एक में तो हो नहीं सकते। तुमने पांच बातें कही तो पांचों गुण एक में तो हो नहीं सकते, इसलिए एक एक गुण के पांच पति तुम्हें मिलेंगे, ऐसा शंकर जी ने कहा। तो शंकर जी ने द्रौपदी को पांच, इन्होंने पांच चाहा ना, और पांचों क्या क्या चाहा? हमारा पति धर्मात्मा हो तो धर्मराज युधिष्ठिर, हमारा पति बलशाली हो भीम, हमारा पति के नाम के जैसा किसी का अर्जुन, गांडीवधारी कोई नाम नहीं, हमारा पति बहुत सुंदर हो नकुल, बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर कि क्या कहें आपसे, और सहदेव तीनों को जानते थे, बहुत बड़े ज्योतिष के पंडित थे सहदेव, वो जान जाते थे कि कल क्या होने वाला। तो ये पांचों लक्षण एक में थे नहीं, तो पांच पति की व्यवस्था शंकर जी ने कराई, इसलिए द्रौपदी जी के पांच पति थे। कथा दूसरी इस प्रकार है कि एक गाय के पीछे पांच नंदी घूम रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस दिया, पिछले किसी जन्म की बातें हैं, देखो हमने किसी की मजाक भी उड़ाई ना तो वो मजाक का भी दंड भोगना पड़ता। आपने जैसे किसी को कह दिया अंधा, इतना बस कह दिया, तो वो आपको किसी जन्म में अंधा आपको बनना पड़ेगा, अब फिर आपकी कोई मजाक उड़ाएगा तब वो हिसाब किताब बराबर होगा। आपने किसी को कह दिया लंगड़ा और हंस दिया कह के, अगले जन्म में टूटेगी टांग तुम्हारी। तो द्रौपदी ने हंस दिया था गाय को देखकर, इसलिए बचा करो सब फालतू की चीजों से, सादगी से जीवन जिया करो, हाँ किसी का मजाक अजाक ना उड़ाया करो, किसी की कमियों को देखकर, किसी की गरीबी का मजाक ना, किसी की सूरत को, कई लोग तो सूरत को देख के कोई सांवला है कोई कैसा दिखता उसका ही मजाक उड़ाने लगते, कैसा दिख रहा है, नहीं करना चाहिए। तुम भी ऐसे ही दिखोगे किसी, होता है ना, आज नहीं कल वो सब तुम्हारे संग होगा, नहीं उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, वाणी है आपके पास, ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। भाई हमारे जवानों के पास बंदूक होती है 47 होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास गन है तो किसी पे भी चला दें, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता फौजी भाइयों को, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कहाँ गोली चलाई हिसाब ला के दो, क्यों चलाई, ऑर्डर है आतंकवादी हैं वहां गोली चलाएं, वहां हिसाब नहीं देना पड़ता, बाकी हिसाब वहां भी देना पड़ता है, खोखा रह जाता है वहां भी देना ही पड़ता है, पर फिर भी फौजी भाई के पास बंदूक है तो किसी पर चलाए। उसी प्रकार तुम्हारे पास जवान है, जिहवा बोली है, जवानों के पास गोली है, तुम्हारे पास बोली है, तो वो अपनी गोली कहीं भी नहीं चलाते, तो तुम भी अपनी बोली कहीं भी ना चलाया करो, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा गोली का, तो बोली का भी हिसाब देना ही पड़ेगा, आप बच जाएंगे ऐसा नहीं है, हमारे प्रत्येक बोली का हिसाब हमें देना है, तुमने क्यों ऐसा बोला,
तुम्हारी जवान तुम्हें इसलिए दी गई थी कि कुछ भी बोलो, अगले जन्म में बीच से काट देंगे तुम्हारी जेवा, ज्यादा बक 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 करती रहती हो या करते रहते हो, निंदा चुगली पड़ोसी पड़ोसन की, दिन रात उल्टे सीधे बोलना, कुछ भी बोलना, ऐसे लोग अगले जन्म में मेंढक बनते हैं। टर्र टर्र टर्राते रहो, बड़ा टर्रा, कई लोग बोलते ना बड़े टर्रा के बोलते हैं, ये सब मेंढक की योनि में जाने वाले हैं, तैयारी में लग गए हैं बेचारे, अभी से अभ्यास बना रहे हैं इसलिए टर्रा रहे हैं। कई लोग नहीं बोलते, बड़े टर्रा के बात कर रहे हैं, ये सब मेंढक की योनि से या तो आए होंगे या वहां जाने की तैयारी है, इसलिए आप लोग ये चक्कर में ना पड़ा करो, है ना। तो द्रौपदी माता ने एक गाय के पीछे पांच नंदी लगे थे, तो गाय को देखकर हंस दिया, गाय को पांच पांच नंदी, हा 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 से हंस दिया, तो गाय माता ने श्राप दे दिया, अच्छा बड़ा घमंड कर रही है अपनी सुंदरता का, जा तेरे भी पांच पति होंगे। तो द्रौपदी के पांच पति,